और भी कुछ है, मोहब्बत का फैलाव है। ये मोहब्बत का फैलाव जो कहते हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और इनकी शख्सियत का इतना फैलाव है कि खुद समझ में नहीं आता कि आया ये ड्रामा निगार हैं या सिर्फ शायर हैं, कॉलम निगार हैं, क्या हैं। मेरी मुराद आप जानते हैं सब, अमजद इस्लाम अमजद साहब से। तो खान साहब के बारे में कुछ फिरदौस, मैं मेरा ख्याल है कि ये सारी कहते हैं कहने वाले कि ये पूरी कायनात जो है ये असल में एक सिम्फनी है, और ये जितने फनून लतीफ़ा हैं ये सब इसी के बिखरे हुए सुर हैं। जब खान साहब को हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सारे सुर जो हैं ये किस तरह बाज़ औक़ात एक ही गले में आकर जमा हो जाते हैं। मुझे जो चीज़ खान साहब की बहुत हॉन्ट करती है और अच्छी लगती है कि हमारी क्लासिकी और फोक मौसीकी में भी साजों का इस्तेमाल बहुत कम होता था, और सारे साज जो हैं वो दरअसल सप्लीमेंट करने के लिए आवाज़ को काम करते थे। लेकिन फिर हुआ यूं कि साजों ने खुसूसन वेस्ट के हवाले से इतनी बरतरी हासिल कर ली कि जो बाद में सिंगर आए उन्होंने साजों के पीछे भागना शुरू कर दिया, यानी अपनी ही बनाई हुई चीज़ के वो गुलाम हो गए। तो खान साहब के यहाँ जो सबसे बड़ी खूबी है कि इन्होंने मशरकी साजों को और मगरबी साजों को सबको अपना मती करके, और जो मौसीकी की बुनियाद है, जो उसका मैं समझता हूँ एक बुनियादी महवर है, उस पर दोबारा लाने की कोशिश की है। और आज के ज़माने में जबकि पॉप का और ये नौजवानों की खास तरह की सिंगिंग का इतना शोर है, मैं समझता हूँ कि खान साहब की ये जो मकबूलियत है ये दरअसल इसीलिए है कि इन्होंने उस इब्तदाई और मरकजी सुर को पकड़ा है जो इस पूरी कायनात में जारी हो सारी। बाबा पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी बात ही करेंगे, तो क्यों ना हम खान साहब से आपकी गजल सुनवाएं और आपके मुंह पे सुनाएं। भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, भीड़ में अजनबी का सामना अच्छा लगा। सबसे छुप कर वो किसी का, सबसे छुप कर वो किसी का देखना अच्छा लगा। सबसे छुप कर वो किसी का, सबसे छुप कर वो किसी का देखना अच्छा लगा। अच्छा लगा भीड़ में।
रख कर हाथ को मुंहों पे रख रोकना अच्छा लगा सबसे छुप कर वो किसी का